आठशिला में हेमंत सोरेन ने चुनावी रैली को संबोधित किया और जेएमएम उम्मीदवार संजीव सरकार के पक्ष में प्रचार किया। हेमंत सोरेन ने लोगों से महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटशिला के पोटका विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी संजीव सरदार के लिए वोट मांगा। जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार सूबे में विकास का झूठा दावा करने के साथ साथ लोगों को ठगने का काम कर रही है। राज्य में लोग भूख से मर रहे हैं और युवा बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। घाटशिला में हेमंत सोरेन अपने प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार तानाशाह है और सत्ता के लालच में आकर संविधान की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रही। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हेमंत सोरेन लगातार अपनी पार्टी जेएमएम के लिए प्रचार अभियान में जुटे हैं और राज्य की जनता से महागठबंधन की सरकार बनाने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। घाटशिला से रणधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।